मैं जाने वाली हूँ अपने ननियाल में। आप भी मैं नहीं अच्छी लग रही, लड़का लग रही हूँ ना? नहीं, तुम वैसे भी लड़का है, बाल कटवा के। इकरा, हिरा, फातिमा, रबा, जैनब, ये भी पांच हैं। कहते हैं ये पानी खड़े होकर पियो तो ये आपकी बॉडी में शिफा है। सबको निकाह का इनवाइट देते हैं। व्हाट हैपेंड? ये क्या क्या आ गया ऊपर? क्या काम है भाई, मैं लोगों को एस्ट्रोलॉजी के फैंस को सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलती हूँ। आप यहाँ पे क्या लेने आ गए हो भाई? दिन शुरू हो गया है और आज क्या करने वाले हैं? बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज मैं जाने वाली हूँ अपने ननियाल में, क्योंकि मेरे मामू गए हुए थे उमरा पे, उनकी छोटे छोटे बच्चे गए हुए थे उमरा पे, तो उन लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं। और मेरी अम्मा ने देखे, जब अम्मा के रिश्तेदारों की तरफ जाना हो तो अम्मा कैसे कपड़े निकाल के देती हैं, बहुत ही खूबसूरत कपड़े निकाल के दिए। और आज मैंने सारा सुबह उठ के अपना कमरा सेट किया, ये चीजें सेट की हैं हल्की आंच पे, और ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही सेट कर लिया। ठीक है, अपना मुंह तो मैं चमका चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं चीजें वीजें करनी है, क्योंकि हम लोगों को घर से निकलना है भाई 5 बजे और अभी इस वक्त 4:30 हो रखे हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट तैयार होके आती हूँ। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ तैयार, लेकिन मुझे अपना आप इसमें बहुत बुरा लग रहा है। लेट मी शो यू माय फुल लुक। ये देखो जी, मैं लग क्या रही हूँ, लाइक सीरियसली कितना वो मम्मा ने अपना ड्रेस मुझे दे दिया, और मुझे ऐसे लग रहा है इसमें 4 इकराज पूरी आ सकती है। तो अब मैं अपने लिए खुद ड्रेस लेकर आई हूँ, फातिमा की अलमारी में से चोरी करके मुझे ये ड्रेस मिला और मैं ये पहनने वाली हूँ। यार ये बहुत ही खूबसूरत सूट है यार। सो आई गोना वेयर दिस। सो फाइनली नाउ अब मैं इस लुक में आ चुकी हूँ, मैंने ये ड्रेस पहन ली। अब ये ड्रेस आपको फुल दिखाती हूँ, ये मुझे जरा बहुत ही खासा अच्छा लग रहा है, मेरे पे सूट भी कर रहा है। मैं जरा मेकअप थोड़ा सा सेट करूंगी और बैग शैग पकड़ते हैं, नीचे जाते हैं, वहाँ की सूट तैयार देते हैं। लेट्स गो गाइस। आपको एक मजे की जाते जाते बात बता दूं कि मेरी अम्मा ने ये ड्रेस भी मुझे भेजा और साथ में ये जूते भेजे मुझे पहनने के लिए, कि एकरा ये जूते पहन जाना, मतलब चप्पल पहन जाना, मतलब मम्मी गाइज। मैं नीचे आई हूँ तो नीचे यहाँ पे तो कुछ नहीं, अम्मा ने यहाँ पे अलग ही गिफ्ट्स तैयार करके रखे हुए हैं लेके जाने के लिए, यहाँ पे अलग मिठाइयाँ तैयार करके रखी हुई हैं लेके जाने के लिए। अब जो है वो हम चलते हैं जाके सूट तैयार देखते हैं कौन कौन तैयार हुआ है। पापा जो है वो, पापा ने भी ब्लैक पहना। वाओ, मम्मी तैयार हो रही है। नहीं नहीं, अभी तो तैयार होते हुए ना लड़के को छेड़ो ना लड़की को छेड़ो, तैयार होते हुए सिर्फ इकरा कवल को आप लोग छेड़ सकते हो, क्योंकि आवाजार नहीं होती है। मानो मोहतरम, आप भी जा रही है जल्दी, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है एंड आप अभी तक तैयार। मैंने नींद से उठाया है, मैंने इसलिए कहा कि मानो आप मेरे साथ जाओगी ना। मैं गाड़ी में सोऊंगा। हाँ, डन, तंग नहीं करूंगी। राबिया, बिल्ली नहीं जा रही आज, मैं एक्चुअली रेस्टिंग डे, वैसे सोना है। गाड़ी में सो जाना। नहीं, मैं नहीं सोती, ना ना ना। राबिया, मैं सो ही रेस्ट ही गई हूं, मुझे तंग नहीं करना। तुम यूनिवर्सिटी क्यों गई हो? तुम इससे एनरोलमेंट ही मेरी न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। जी जी, पापा कह रहे हैं जल्दी जल्दी। जी पापा जी आ रहे हैं, बस मैं तो तैयार हूँ, मैं सिर्फ दुपट्टा ढूंढ रही हूँ, क्यों इसके साथ कोई मैरून सा अच्छा सा दुपट्टा मुझको मिल जाए। राबिया यार, अगर जा नहीं रही हो तो मदद तो करवा सकती हो ना। मम्मी बड़ा जरूरी पतों की दफ्तर बंद हो जाना, इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी निकलो, मुझे जाने का पीछे डाल दिया। मैं पहन रही हूं पापा। या अल्लाह, मम्मा अपनी स्किन को क्यों मॉइस्चराइज नहीं करती हैं पहले? मम्मा ऐसे ही पाउडर पाउडर, ये देखिए करा कमल पहले मॉइस्चराइज करती है, इसलिए शाइन करती है भाई। मम्मा के दराज में ना सारे दुपट्टे इस तरह राउंड हुए पकड़ते हैं यार। एक ये मैरून कलर का दुपट्टा, नहीं नहीं मुझको ये कलर चाहिए था, तो मुझको मिल गया है मम्मा की अलमारी से दुपट्टा। मानो नहीं, तुम वैसे भी लड़का है, बाल कटवा के लड़का लग रही हूं। मानो कोई और शर्ट पहनो, कि बिल्कुल एक तो इस्तरी नहीं हुई भी, क्या लग रहा है। मैंने भाई ये वाला दुपट्टा ले लिया, ये जो मेरे साथ फुल मैच हो गया, एंड इट्स माय फेवरेट कलर, रेड एंड ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। तो देखो जरा, मम्मी तैयार होके क्या लग रहा है। वाह, जूता तो बड़ा प्यारा पहना आपने है, और मुझे क्या भेजी थी वो काली चप्पल, बड़ी चलाक हो गई है। तो मैंने ये वाले जूते पहने हैं, मानो भी तैयार होगी। मानो भी बहुत है वेयरिंग ब्लैक। चलो चलो, मानो बन गई है, अच्छी लग रही है ना, लड़का बन गया। अच्छी चेंज करती हूँ, क्यों अच्छा लग रहा है? दूसरा कलर का गाइस लग रहा है ना, पीछे से ये अंकल हाशमी खड़ा हुआ है कोई। तो मेरी अम्मा है ना, ये चीजें चीजें मीठे में चीजें रख रही हैं, जो इन्होंने देनी है वहाँ पे जाके। अब्बा को देखो हीरो बन के, कह रहे हैं दो फोन, इतना बिजनेस चल रहा है किस फोन पे किस फोन पे। और अब्बा इस वक्त गुस्से में और बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं, कैमरा इसलिए ऑन किया कि डांटे ना। मम्मा, फातिमा आपसे बात करना चाह रही है। हेलो, हाँ जी। ओह माय गॉड, खाने के लिए उसको नाश्ता भिजवा दो। ओए शिट, याद है मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया।
गाइस ये मानो का भी तीसरा सूट है। मानो सुबह से आज मेरे साथ भी यही हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। मानो ये अच्छी लग रही है यार, प्रेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने की नहीं है। ओ माय गॉड, अब पापा से तेरी वार, तेरी डांट, सब कुछ पक्का 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 एंड पक्का है, ठीक है। और ये देखे मेरी मम्मा अपनी आलू लाल के लिए पराठा और शामी प्रिपेयर करते हुए। मम्मा इज फुल बिजी, आज तो कोई मुझे कॉल ही नहीं मिला रहा। अबू भी फुल मसरूफ, पेंडू लग गया। तुम्हें पास बाहर नु कपड़े नहीं थे रखने नु जगह नहीं। मानो हमारे पास बहुत कपड़े है, ठीक है। अपने आप को देखी जा रही हो ना, देखो ये पहन लो, कूड़े वाली बाई ना। इसके नीचे ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन लो, चुप करके शांति से, बकवास ना करना ज्यादा, निकलो यहाँ से। मेरी जूस पी रही है और मेरे लिए बना दिया लंच, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। और ये वही लंच है गाइस जो इस्लामाबाद जाने से पहले मम्मी ने मुझको दिया था, तो ये लंच शंच, निकलो यार। पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है जैनब को, डांट पड़ जाता हूँ। मम्मा ने गाइस मुझे पराठा और मूंगरे रख के दिए, पापा जी मैंने नहीं ये खाना। मम्मी ने मुझको मूंगरे और पराठा। वाय मॉम वाय वाय। ये देखो ये कुछ चुस्ती भी आ रही है। मम्मा आपने मुझे ये फलियां और क्यों दी है? आई वाज थिंकिंग आपने ब्रेड और रोटी की बनाई होगी। पकड़ इसको खाना है। अच्छा तो आप ही तू बना बना कर खा रही है खाना, सही बात है। क्या हुआ है? खा लो चुपचाप, जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। तो ऊपर से मिला भी आप ही को ठंडा, मजा आ गया। आप ही ने खाना फिनिश कर लिया अच्छे बच्चों की तरह कर लिया फिनिश। झूठ बोलती हो, वो ऊपर वाला दिखाओ। गुड गाइस, चलो मेरे सोने का टाइम है, बाय। निकलो तुम सो जाओ, मेरा फोन बंद कर। इतना हेल्दी खाना दिया और कहती मैंने नहीं खाना, मैंने कहा तू तो खाएगी। डंडे मार के खिलाए आज मम्मी ने। हसीनों का दीवाना। इतना प्यारा सनसेट। पापा हमने जाना कहाँ है? नहीं? जा कहाँ रहे हैं? क्या मतलब वैसे तैयार हो गाड़ी में अब के बैठ गए हो आप? मतलब जा कहाँ रहे हैं? मानो हम लोग जा रहे हैं मामू की तरफ जा रहे हैं। तैयार किया? हाँ, सबसे छोटे मामू उमरा करके आए हैं उनके घर। लग गया पता किसके? हाँ लग गया। हाँ इन शॉर्ट हानिया पास जा रहे हैं। मम्मा पूरा फूड बफे लगाया हुआ गाड़ी में, पहले फलियां पराठा खिलाती हैं, बाड़ू खिला रहे हैं, जाके पहुंच के बताती हूँ इसको। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हजरत अभी तक सो रहा है, ये मोटा सोने है यहाँ पे, इसको और कोई काम नहीं है। और मैं भी जरा प्रिपेयर हो चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सीधा अम्मा को देखो जरा, अपने गाँव आके कैसा फील होता है। मानो मानो बैग नहीं ले, मम्मा बैग ले जाती हूँ, ठीक है। चलो मम्मा ये लड़का साथ लाए हैं काम करने के लिए, चलो चलो सुता हुआ जो है ना। इधर आए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ना चूजे पाले हैं, ये एक चूजा लेके बैठी खा जाए। एक पकड़ती हूँ मैं ये ब्लैक वाला जो चलाक हो रहा है ना थोड़ा सा, ये मुझे अपने येलो वाले सबसे अच्छे लगते हैं। ओए ये भी पांच है, मानो इकरा हिरा फातिमा राबा ज़ैनब ये भी पांच है। यहाँ से हो गए हम लोग फ्री, अभी अब हम लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। हम बारी बारी जहाँ जहाँ जाना है बस जा रहे हैं। माय गॉड यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ लगा हुआ है मेला, देखने चले। हाँ ये देखो कतलम्मे बन रहे हैं, ये कतलम्मे तो होते ही सिर्फ मेलों में है। फलूदा मम्मा फलूदा लेके जाए यहाँ से, बस खत्म, इतना सा मेला झूले का है। हाँ अच्छा झूलों पे अंधेरा हुआ था। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस फाइनल लोकेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने जाना था। हम रास्ते में जरा टंग 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 करते हुए आपसे मिलते 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 आ रहे थे, अब हम लोग सीधा वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जिस भी अड्डे पे जाते हैं मानो मोहतरमा हर जगह जाने से पहले सोई होती है। मानो ही मानो मानो आ गया घर जैनब, वैसे आपको छुट्टी नहीं मिलनी, सामान के लिए रखा हुआ हमने छोटा लड़का। फाइनली हम लोग पहुँच, ये डराने के लिए खड़ी हुई है, डराने के लिए खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरे से नहीं मिली है? नहीं ना मिली, लेकिन उमरा करने गई है ना, मुझे नहीं ना लेके जाती साथ, अकेली के लिए उमरा करने गई थी। क्या लाई हो आप मेरे लिए उमरे से? डॉल देखो जरा, अपने लिए डॉल ला के चलाकियाँ लगा रही है, कह रही है मैं आपके लिए लाई हूँ। चलाको मासी हो गई हो, कितनी प्यारी डॉल है। डॉल आ गई है हानिया की तरफ, डन हानिया थैंक यू। आपके साथ खाना शुरू हो गया और ये खाने से कोई फुर्सत नहीं, नहीं खाना बस तंगी करी जा रही हूँ, तंगी करी जा रही हूँ। मेरी प्लेट रेडी हो गई है, ये और ये है कुएं के पास। आपने मांग ली पापा जी? मानो क्या विश मांगी है? बताई नहीं जाती होती। अच्छा मानो ने अपना सोने का ग्लास पी के खाली कर दिया। मेरी बारी, ये सोने का
कहते हैं ये पानी खड़े होकर पियो तो ये आपकी बॉडी में शिफा है। छोटे को गिफ्ट मिल गया और ये सो रही है और अब इसके साथ जो है ना लिए जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। बच्चा नाराज होकर उधर बैठा हुआ है। ये वाला एक ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा सबसे ज्यादा तंग करता है। चूड़ी लेके इधर गायब हो गया। ठीक है मैं बाय बाय कर दो फिर, सड़ा हुआ बच्चा हो, मैं नाराज हूँ इससे। सारे व्लॉग में लोग कहेंगे हाँ ने सड़ी हुई है। तो बाय 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 बाय। अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं सुकून शरीफ से और फिर अगली लोकेशन पे जाते हैं। ठीक है आज हमारी लोकेशन से नहीं खत्म होनी कोई, हम पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं। लेट्स गो। मेरी मम्मी का तो बहुत ही फिरन को जी करता है गाइस, घूमने को दिल कर रहा था हमने का किसी को मिल लिया। मम्मा आपके जैसे ये गार्डन देखो, यहाँ देखो यहाँ कोई लिमू नहीं है गाइस, ये मेरे मामू का गार्डन है। ये तो पता नहीं आज सिर्फ सोने आई थी बस। एक इसको गिफ्ट मिला, ये भी दिखाती हूँ ये बैग इसको क्या मिला। मुझे भी एक गिफ्ट मिला, मैं दिखाती हूँ। मुझे मिला है मस्जिद नबवी का खूबसूरत तोहफा। आपको सबसे ज्यादा जल्दी है शूटर शूट में करिए। अब हम इस मोहल्ले में पहुँच चुके हैं। आज वैसे मम्मा आपने सारा दिन किया क्या? सबको निकाह का इन्वाइट देखे। अभी इन्विटेशन हमारे के नहीं आया लेकिन यहाँ ये दूर था थोड़ा सा, इसलिए हम लोग जो है ना वो वर्बली मतलब मिल के सबको दे रहे हैं। अभी इनवाइट्स आएंगे इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगी। और अभी हमारी लोकेशन के लिए भी हरीफ साहब जो है वो गए हुए हैं इस्लामाबाद से आगे वाली साइड पे चेक करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो वो वहाँ पे लोकेशन वगैरह देखेंगे सारी चीजें करेंगे फाइनल और आप लोगों को भी दिखाएंगे। मैंने बोला हरीफ ब्लॉग कर लेना तो मजा आएगा, तो देखते हैं क्या लोकेशन फाइनल होती क्या चीज होती है। बड़ा मजा आने वाला है आने वाले दिनों में, अभी से हमारी जो है ना वो हसल स्टार्ट हो गई है। चलो जी ऐसे ही आज पूरा दिन गुजरा है हमारा। इस वक्त जो है ना वो हम निकले हैं, कितने बजने हैं रात के? 11 बज चुके हैं। ये मानो मुझे क्या कह रही है कि मुझे बद्दुआएं दोगी? नहीं मुझे उठा के लाई है, मुझे नींद आ रही थी इतनी यार। मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, अपनी मर्जी से आई। अब ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर, तौबा तौबा। स्केलेटन झूठ बोलती है। मेरे पापा ने अपना फेवरेट डड्डू वाला गाना लगा लिया, बहुत सुनते हैं। और अब लाहौर जा रहे हैं गाइस। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर और मानो मोहतरम जूता पकड़ गया है तो बस सारा दिन ये सोती रही है गाड़ी में। दरवाजा खोलो ना मानो। चलो कोनी से गाइस घर हम लोग आ चुके थे और थोड़ा सा मैंने रेस्ट वेस्ट किया है। ये मोहतरमा चेंज करके फोन पे लग गई है जो कि इसको सारे रास्ते नींद आती रही है बट स्टिल। और ये मोहतरमा घर रह के कितनी गंदी बनी हुई है, सर देखो बाल देखो। क्या लग रही हो तुम इस वक्त? सारा दिन ये लड़की बिग बॉस देखती है और उसके बाद वही वाली हरकतें करती है। बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाया जाए। ओके ये पागल हो चुकी है, आज पूरा दिन इसने लेमिस पिया, पूरा दिन इसने लेमिस स्लीप किया है तो इसको सोने दिया। ज़ैनब मोहतरमा अब अपना स्टडी टेबल लेके बैठ गई जो कि इंतहाई गंदा है। साथ में व्हाट हैपेंड? ये क्या हो गया ऊपर? ये टेडी का नाक है। नहीं ये क्या हो गया? ये देखो ये देखो व्हाइट स्क्रीन पे आप, ये देखो ये क्या आ गया? बिल्लो का क्या? बिल्ली यार आ गया, एक मिनट दिखा। देखो सही सच्ची कह रही हूँ, पीछे तो नहीं आया, दिखाना जरा स्क्रीन। नहीं ये प्रोटेक्टर है, ये क्या ये काला डॉट क्यों है? अभी आया ये गूगल करने दो ब्लैक डॉट ऑन ये, एक मिनट रुको। ओ माय गॉड राबिया का फोन बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो चुका है गाइस। रिपोर्टर इकरा कमल के साथ फादर राबिया, व्हाट इज दिस? क्यों आता है यार एक मिनट एकदम से गिरने से? दिखाओ गिरने से क्या होता है, इसको बड़ा करने से कैसे दिखेगा? देखो वो छोटा क्यों हो गया, ये छोटा क्यों हो गया? ये छोटा नहीं हो रहा, अभी आप स्क्रीन बड़ी कर रही हो। अच्छा मैं ऐसे करूंगी तो वो ये मुझे बड़ा लग रहा है क्योंकि अल्फाबेट बड़े है ना, वो अपने साइड से नहीं बढ़ रहा। मुझे पापा से पूछ रहे थे क्या हुआ क्या मेरे फोन को, रुको जरा। या अल्लाह बेचारी का फोन खराब हो गया। पापा जी देखना जरा मेरा फोन पे क्या आ गया है, ये ब्लैक अभी पकड़ सही। ये देखें ये सही हो जाएगा, ये क्या मसला? ये देखें ऐसे लग रहा है ना कि टेडी ये निशान है। अच्छा ये प्रोटेक्टर नहीं टूटा लेकिन एकदम से निशान आ गया, पता नहीं ये कैसे गिरा था। ये चार्ज पे लगाई थी फोन तो एकदम से मेरे हाथ उल्टा हो गया, नीचे जमीन पे ठश करके आवाज आई है बहुत जोर की। तुम्हारा प्रोटेक्टर ज्यादा मजबूत है, आईफोन वालों को प्रोटेक्टर का लगवाया था लेकिन फोन। चलो इसको करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है अब रेट तो मैंने फोन 15 लेना था, मैंने उसको बेचा। ये अभी सस्ते में बिकेगा मेरे हिसाब से, कोई लाख 1.5 लाख रुपए लग जाना इसके ऊपर, फिर ये चेंज होगा उसके बाद, फिर ये जब चेंज हो जाएगा ना फिर इसको बेच देना। कैमरे बच गए हाँ शुक्र करो तुम्हारे कैमरे के बल गिरा था यूं करके ना। लाइन भी आ रही है नोट करो हाँ। ये देखें गाइस वो साइड पे पर्पल लाइन आ रही क्योंकि है क्योंकि वो रोशनी है फोन की। फोन ही ऊपर इतना महंगा था यार, कोई बात नहीं जो होता अच्छे के लिए होता है। मम्मा को ना बता रहा मम्मा तो मम्मा ने क्या तुमने लेने पैसे तो मैं कुछ देखूंगी भी तो मुझे शो होगा ये तो। हाँ तो होगा तो रेगुलर पार्ट तो वेस्ट ऑफ मनी है यार, जाओ मैं नहीं बात करती। चलो बस रबिया काम डाउन, जो होता है छिकले कुछ नहीं होता, नुकसान इन लव इन ले राजू इन पड़ो कुछ नहीं होता। घूमती है राजू, तुम किसी की
डेथ हो जाती है तो पढ़ते हैं। मानो रोगे कोई चीज गुम जाती है तब भी पढ़ते हैं, जब किसी चीज का नुकसान होता है तब भी पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि रिपेयर होंगे और हार्मलेस है, लेकिन फोन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे परमानेंट रहेगा और ये बग के साथ साथ बड़ा होता जाएगा। पता क्या होता है, मैंने ना एक लड़की का देखा, उसका पूरा यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। हाँ वो पैनल उड़ जाता है ना जब वो, जिस किसी का मेरा एक दफा आपका उड़ा था, काम भी नहीं किया था। मैंने नया नया गाइस S6 एज लिया था उस वक्त और बहुत शौक से अभी लिया, डब्बा खोला, पोरियम मॉल में थी, ऐसे करके मैं फोटो बना रही हूँ, बनाते बनाते ना एकदम किसी ने मुझे पीछे आके धक्का दिया और मेरे हाथ से ऐसे मुंह के बल गिरा कड़ाच। अब इतना बुरा गिरा है, उसकी स्क्रीन नहीं टूटी लेकिन वो ब्लैंक हो गया फोन, बाद में पता चला। भी यही होना है, आज मैं इसकी स्क्रीन चेंज करवाती हूँ जल्दी से। दुखी हो गए मैं यार, अगर हम लोग इसको यहाँ से ज्यादा पुश करें तो ठीक हो सकता है। क्या ये क्या वो है, ओए पता लगे ज्यादा हो जाए। हाँ बिल्कुल, डोट आ रहा है। अरीब साहब गए हुए देखने के लिए, पता क्या देखने गए हुए, वेन्यू। शादी का तो क्या डेस्टिनेशन है यार। नहीं ओ आप तो मानो घर थी नहीं, आपको कैसे पता होगा। वेडिंग इज नॉट इन लाहौर, निकल नॉट इन लाहौर। मैंने तो अपने दोस्तों को कहा था बुलाऊंगी लाहौर में। तुमने भी लिस्ट तैयार की हुई थी, चपेड़े मारूंगी मैं तुम्हें। मैंने चीज नोट किया, शाहरुख खान की जो नई मूवी उसमें शाहरुख खान की शक्ल ना कैसे ना, तुमने कॉन्टोर किया, उसकी सर्जरी करवा ली है तुम्हें पता है। शाहरुख खान ने सर्जरी करवा ली, हाँ जख्मी हो गया था वो कहीं, अपने तुम्हारे फोन का एक्सीडेंट हो गया तो मैं तुम्हें शाहरुख खान की पड़ी हुई। अपने दुख लगे मैं यार, तो किस किस दोस्त को तुम्हें बुलाना था। मैंने यहाँ को बुलाना था बहुत सारे दोस्तों को, सोचा हुआ तुम्हारे भी इधर निकला हुआ ब्लैक निशान, उधर मुंह करो पिंपलू, ये इसके भी नोक पे निकला हुआ ठीक है, और तुम्हारे फोन पे भी निकला है। उसने कहा है मेरा बर्थ मॉल ये है ना, ब्यूटी मॉल तो ये ब्यूटी मॉल फोन, अल्लाह किसी के फोन पे ब्यूटी मॉल ना निकले। इस दिल पे तो लोग मरते हैं, इस पे नहीं मरते, इससे मैं मर गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और मानो के कमरे की करने लगी हूँ, एज यूजुअल लाइट्स ऑफ, एक ऑन है और मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और बहुत थक गई।